फ्रेंड्स, लाल, पीले, गुलाबी, ये सारे रंग तो बहुत फूलों में देखने में मिलते हैं, बट नीले फूलों वाली जो पौधे होते हैं वो बहुत कम देखने में मिलते हैं। तो जब भी नीले फूल और भर भर के नीले फूलों वाली कोई बेल दिख जाती है तो बस आंखें उन्हीं पे रुक जाती हैं और ऐसा लगता है कि ये हमारे बगिया में भी हों और हमारी बगिया में भी नीले फूलों की बहारें आती रहें। तो फ्रेंड, बिल्कुल आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत सी पेरिनियल फ्लावरिंग वाइन के ऊपर है, जिसे जैक मोंटिया बोलते हैं और ब्लू स्काई ब्लू क्लस्टर वाइन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो खूबसूरत सी फ्लावरिंग वाइन है ये मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली को बिलोंग करती है और ये एक पेरिनियल फ्लावरिंग वाइन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो मतलब एक बार अगर आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर लेते हो तो सालों साल ये आपके साथ बनी रहती है। और पॉलिनेटर्स जैसे बीज, बटरफ्लाइज, हमिंग बर्ड्स और जो भी छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी हमिंग बर्ड के अलावा भी जो झाड़ीनुमा पौधों में जिन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है वो सभी को ये पौधा बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड करने का। नीले फूल तो आप देख ही सकते हो कि कितने भर भर के इसमें आए हुए हैं। और बेस्ट बात तो ये होती है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं ये पूरे दिन चलते हैं। मतलब मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली का तो है, बट मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स जो हैं बहुत जल्दी स्पेंड भी हो जाते हैं। मतलब थोड़ी देर ही सुबह वो खिले रहते हैं और जैसे ही तेज़ धूप निकलनी शुरू होती है वो फ्लावर्स स्पेंड हो जाते हैं, बट ये पूरे दिन खिले रहते हैं। इनफैक्ट शाम रात तक ये खिले रहते हैं, बट एक फ्लावर की लाइफ एक दिन की ही होती है। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को फुल सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो जितनी अच्छी धूप इस प्लांट को मिलती है उतनी ज़्यादा इसमें नंबर्स में फ्लावरिंग होती है। अब अगर आप इस प्लांट को किसी ऐसी लोकेशन पर रख देते हो जहाँ पे फुल सन इसको नहीं मिलता है, पार्शियल शेड हो जाता है, तो आपको उतनी अच्छी फ्लावरिंग इसमें देखने में नहीं मिलेगी। और इसमें जो है जो बड्स हैं आप देख ही सकते हो, उनका पैटर्न ये है कि एक जो बंच है उसमें 6-7 जो है कलियां बनती हैं, 5-6-7 इस तरीके से बनती हैं। तो इसीलिए इसमें जो है खूब अच्छे नंबर्स में फ्लावरिंग हो पाती है। और इस प्लांट को क्योंकि ये फुल सन में ग्रो होता है तो इसलिए इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है कंपैरिजन में। अगर आप बाकी पौधों को देखें तो इसमें आपको डेली वाटरिंग करनी पड़ती है जब भी तपती हुई धूप निकलती है, क्योंकि अब ये बहुत तेज़ धूप में रखा हुआ है तो इसकी जाहिर सी बात है कि जो पॉट में जो मॉइस्चर है वो भी बहुत जल्दी जो है सॉइल इसकी ड्राई अप हो जाती है। तो वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना है, और स्पेशली जब इसमें फ्लावरिंग हो रही हो, क्योंकि अगर आप इसमें जो है थोड़ा सा भी पानी कमी हो जाती है सॉइल में तो तुरंत इसकी जो पत्तियां होती हैं और इसके फूल होते हैं वो एकदम मुरझाए से होने लगते हैं। तो वाटरिंग का बहुत खास ध्यान रखना है, ख़ास तौर पर जब इसमें भरपूर फ्लावरिंग चल रही हो। और इस प्लांट की अगर फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसे कोई भी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हो, स्प्रिंग टाइम में दे सकते हो आप। और क्योंकि हैवी फीडर प्लांट होता है तो इसे अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो आप इसके लिए जब भी सॉइल बनाएं तो एकदम रिच, फर्टाइल, वेल ड्रेन बनाएं। और स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र्स जैसे कि DAP, नीम की खली, बोन मील और सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये सारे मिला के सॉइल बनाएं। और कम से कम महीने डेढ़ महीने के गैप पे एक बार आप इसको कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे मस्टर्ड केक है या काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र एक बार ज़रूर दें, महीने डेढ़ महीने के गैप पे ज़रूर दें, क्योंकि इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसे अच्छे अमाउंट में खाद की भी ज़रूरत होती है। और इस प्लांट की अगर पेस्ट अटैक की बात करें तो मिली बग्स का इसमें काफ़ी ज़्यादा पेस्ट का अटैक देखने में मिलता है। तो बेहतर ये रहता है कि आप अपना जो भी प्लांट है उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखें, तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको पेस्ट का अटैक देखने में स्टार्टिंग में ही आप उसको कंट्रोल कर लें तो बेहतर रहता है। जैसे नीम ऑयल, लिक्विड सोप से आप कंट्रोल कर लो तो वो बेहतर रहता है, क्योंकि पेस्ट का अटैक अगर बढ़ जाता है तो फिर दिक्कत होती, फिर हमें केमिकल जो है पेस्टिसाइड की मदद लेनी पड़ती है। और क्योंकि एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है आप देख ही सकते हो, तो ये भी कुछ टाइम पहले मैंने अपने गार्डन में ऐड किया। तो अब जब भी ये प्लांट ग्रो करते हो, अगर पॉट में ग्रो कर रहे हो तो आप मेरे हिसाब से कम 16-20 इंच का पॉट सिलेक्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है और बहुत जल्दी ये रूट बाउंड कंडीशन में आ जाता है। ज़मीन में लगाने वालों के लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पॉट में लगा रहे हैं उनको कम से कम काफ़ी बड़ा साइज़ का पॉट इसके लिए सिलेक्ट करना चाहिए। और ट्रेलिस इसके लिए बहुत ज़रूरी है,
अगर आप किसी वॉल के इसको सपोर्ट दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं दे सकते हो तो आप मेरी तरीके से जैसे मैंने बांस की जो है चार खपच्चियाँ लगा के और एक छोटी सी ट्रेलिस बना ली और उसके ऊपर चढ़ा दिया, और आप देख ही सकते हो कि फिर भी वो ट्रेलिस कम पड़ गई है, बगल वाली जो वाइन है उसके ऊपर ये चढ़ने लग गई है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग होता है। तो इसीलिए ट्रेलिस का होना, कम से कम 4-5 खपच्ची की ट्रेलिस बनाएं आप तो इसको जो अच्छे सपोर्ट मिल पाएगा। और इस प्लांट की अगर फ्रेंड प्रोपोगेशन की बात करें तो सॉफ्टवुड कटिंग्स इसकी बहुत आसानी से लग जाती हैं, स्प्रिंग टाइम में लग जाती हैं और बारिश के मौसम में बहुत आसानी से लग जाती है जब इसका ग्रोथ का टाइम होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स, हैप्पी गार्डनिंग।